मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में हम फ्रैक्शंस का एडिशंस कैसे किया जाता है ना? यदि दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है और डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एडिशंस कैसे करेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3/8 प्लस 4/8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों जो फ्रैक्शंस है उनका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है ना? तो यदि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो किस तरह से हम एडिशंस करेंगे? यदि दो फ्रैक्शन दिया गया है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करना है? जो डिनोमिनेटर दो दिया गया है अलग सेम, दोनों का एक को बस लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर 8 लिख देंगे, है ना, यह एक डिनोमिनेटर है, ये तो इसमें से एक ही डिनोमिनेटर को लिख देना है और ऊपर जो संख्या है उसको प्लस कर देना है। 3 यहाँ पर प्लस है, प्लस 4 है ना, तो 3 + 4 कर देंगे, 3 + 4। अब देखिए इक्वल टू करेंगे, 3 + 4 इक्वल टू कितना होगा? 3 + 4 इक्वल टू 7 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा जी? 8। तो आंसर कितना आ गया? 7/8। 7/8 आंसर आ गया, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, किस तरह से सेम डिनोमिनेटर का एडिशंस करना है। यहाँ पर 2/7 + 3/7 दिया है, 2/7 + 3/7। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं 2/7 / 3/7, इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह सेम है। तो सेम रहेगा तो क्या करना है? दोनों में से एक को बस लिख देना है, 7 का 7 लिखेंगे और ऊपर जो है 2 + 3 है तो 2 + 3 लिख देंगे, 2 + 3। अब देखिए 2 + 3 इक्वल टू कितना होगा? 5 डिवाइड बाई 7, ये आंसर आ गया। इस तरह से एडिशंस करना है, यदि फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ऐसा एडिशंस करना है। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5/8 + 1/8। तो यहाँ भी देखिए जो डिनोमिनेटर है वह सेम है, तो एक डिनोमिनेटर को लिख देंगे और 5 + 1 कर देंगे, 5 + 1 इक्वल टू कितना होगा? 5 + 1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 8 है ना, तो ये आंसर आ गया 6/8। तो इस तरह से सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो उसका एडिशंस इस तरह से करना है। सब्ट्रैक्शंस किस तरह से करेंगे? तो चलिए सब्ट्रैक्शंस कैसे करना है। सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो सब्ट्रैक्शंस करना कैसे है, ये तो था एडिशन, लेकिन सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे? बस इसमें चिन्ह बदल जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए ले रहे हैं, 2/3 - 1/3 ये दिया हुआ है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो एक डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और ऊपर में जैसा है 2 - 1, तो इस तरह से 2 - 1 लिख देंगे। अब देखिए 2 - 1 इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 होगा, अब डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3 का 3, ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6/13 - 2/13। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही देखना है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे? एक डिनोमिनेटर को बस लिख देना है और ऊपर में जैसा है 6 - 2, तो वैसा ही लिख देना है 6 - 2। अब यहाँ ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 - 2 इक्वल टू कितना होगा? 6 - 2 इक्वल टू 4/13, तो आंसर कितना आया? 4/13 आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, 7/10 - 3/10। इसका कैसे सब्ट्रैक्शंस करेंगे? देखिए 7
बाई टेन, थ्री बाई टेन। तो देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह सेम है, तो एक को लिख देना है और ऊपर में क्या लिखेंगे, सेवन माइनस थ्री, सेवन माइनस थ्री इस तरह से। अब देखिए सेवन माइनस थ्री इक्वल टू कितना होगा, फोर। सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर और डिवाइड बाई टेन का टेन, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया फोर बाई टेन। ठीक है, तो आई होप आपको सेम डिनोमिनेटर का एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस करना समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा जिसे आप सभी को सॉल्व करके दिखाना है। थैंक यू।